आज तो तुम्हारे महाराज रावण भी मुझसे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे मायावी। महाराज बाली उस मायावी का अंत किए बिना नहीं लौटेंगे, किंतु चिंता का ये विषय है कि इतना समय तो उन्हें रावण को पराजित करने में भी नहीं लगा था। कब पूर्ण होगी मेरी प्रतीक्षा, कब वो शुभ घड़ी आएगी जब मेरा प्रभु श्री राम से मिलन होगा। महाराज बाली, मित्र सुग्रीव, महाराज बाली कहाँ हैं आप लोग? मित्र, महाराज बाली, मित्र सुग्रीव, मित्र। हनुमान जी। मित्र सुग्रीव। हनुमान जी वो। मित्र आप ही इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? अनर्थ हो गया हनुमान जी, अनर्थ हो गया। उस मायावी ने भैया बाली का वध कर दिया। वध कर दिया? ये कैसे संभव है? बाली का वध तो रावण भी नहीं कर सकता। हनुमान जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले भैया बाली का स्वर, फिर उनका रक्त। यदि ऐसा है तो मैं उस मायावी का वध कर दूंगा। रुक जाइए हनुमान जी, रुक जाइए। मैंने उस मायावी को उसी कंदरा में बंद कर दिया है। अब वो मायावी उस कंदरा से बाहर नहीं निकल पाएगा हनुमान जी, उसका स्वयं अंत हो जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप संकट का द्वार पुनः मत खोलिएगा। मित्र, आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, अब हमें यहां से चलना होगा। ये शोक सूचना हमें संपूर्ण किष्किंधा को देनी है। चलिए। हनुमान जी, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि किष्किंधा को ऐसा दिन देखना होगा। महाराज बाली का अंत इस प्रकार हो जाएगा। जी जामत जी, महाराज बाली नहीं तो असुरों को रोक रखा था। परंतु वो रावण अपने छल में सफल हो ही गया। हनुमान जी, अब आपको ही किष्किंधा के बारे में सोचना होगा, यहाँ की प्रजा के बारे में सोचना होगा। मैं आपकी बात का अर्थ समझ गया चावन जी। महारानी तारा, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ऐसे कठिन समय में आपसे कुछ भी निवेदन करना अनुचित होगा। परंतु महारानी। हनुमान जी, महाराज बाली की पत्नी हूं मैं, स्वयं को संभाल सकती हूँ। राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज बाली के पश्चात आप राज सिंहासन का पदभार ग्रहण करें। महाराज बाली की पत्नी तारा महाराज बाली के अनुज सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज घोषित करती हूँ। जय हनुमान। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? महारानी, राजा के बिना प्रजा अनाथ हो जाती है, यदि सिंहासन रिक्त हो जाए तो शत्रु का साहस बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज बाली के पश्चात अब आप राज सिंहासन का पदभार ग्रहण करें। आप ये क्या कह रहे हैं हनुमान जी? आप तो राजधर्म जानते हैं ना? राजा के पश्चात उसका भाई या उसका पुत्र उस सिंहासन का अधिकारी होता है।
और मुझे भी उसी राजधर्म का पालन करना होगा। किष्किंधावासियों, अश्रु से नहीं साहस से स्मरण करना होगा महाराज बाली को। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि हम आने वाले संकट को उन्हीं के समान सामना करने में सक्षम हैं। मैं महाराज बाली की पत्नी तारा, महाराज बाली के अनुज सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज घोषित करती हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्। नाकत्रयम् हिते राज्ञः, प्रजानां तु प्रिय हितम्। मित्र सुग्रीव, प्रजा का हित ही एक राजा का वास्तविक हित होता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। इसलिए वैयक्तिक स्तर पर राजा को अच्छा लगे अथवा नहीं, किंतु राज्य और प्रजा की सुरक्षा, सुख और समृद्धि के लिए आपको इस सिंहासन को प्रसन्नता पूर्वक धारण करना चाहिए। हनुमान जी, मैं आपका और इस प्रजा का आदेश समझकर यह सिंहासन स्वीकार कर रहा हूं। परंतु मैं आपकी सहायता के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मित्र सुग्रीव, मैं आपको वचन देता हूं कि किष्किंधा और आपकी सहायता के लिए मैं हर क्षण प्रस्तुत रहूंगा। आप आसन ग्रहण कीजिए। महाराज सुग्रीव की जय। किष्किंधा नरेश सुग्रीव की जय। महाराज सुग्रीव की कंदरा का द्वार किसने बंद किया? मैंने यहां सुग्रीव का स्वर सुना था, वो यहीं था, तो अब कहां चला गया? सुग्रीव, सुग्रीव, इसका अर्थ है कि सुग्रीव ने ही ये द्वार बंद किया था। अब समझ आया कि मेरा वास्तविक शत्रु मायावी नहीं, सुग्रीव है। सुग्रीव, महाराज बाली के मृत्यु के पश्चात से ही आपको कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। जी, भोजन ग्रहण कीजिए। रोमा, मैं एक क्षण के लिए भी भैया बाली को भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं भैया बाली के बिना ये राज्य कैसे चलाऊंगा। सुग्रीव, बाली, ये तो भैया बाली का स्वर है। इसका अर्थ है कि भैया बाली जीवित हैं। परंतु ये कैसे संभव है? कहां छुपे हो सुग्रीव?
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आ रहे हैं? जय हनुमान। भैया बाली, और प्रेम और सम्मान दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से पहचान गया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? सत्य कह रहा हूँ मैं। भाई के रूप में एक शत्रु को पालता रहा मैं। भैया आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है। भ्रम हुआ था, पर अब सारे भ्रम दूर हो गए। मेरा अंत करके तुम स्वयं राजा बनना चाहते थे, इसीलिए तुम उस कंदरा का द्वार बंद करके आए थे ना? मुझे लगा कि आपकी भैया मृत्यु हो गई है। रुक जाइए महाराज। तारा, इसकी सभी भूलों पर क्षमा करता आ रहा हूं मैं, और आज उन सबका एक साथ दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। नहीं महाराज, नहीं। सो गया। कहां भाग रहे हो महाराज सुग्रीव? मेरा न्याय किए बिना। अभी कुछ कीजिए ना, अन्यथा महाराज वाली ने जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो केवल हनुमान जी दूर कर सकते हैं संकट को। जाओ शीघ्र से हनुमान जी को सूचित करो, शीघ्रता करो। ऋषिवर, और इस प्रकार रावण अपने छल में सफल हो गया। उसने बाली अपने ही प्रिय भाई सुग्रीव का शत्रु बन गया, किंतु हनुमान जी ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा की और उन्हें लेकर ऋषिमुख पर्वत पर गए। ये पत्थर कहां से आए? कहीं बाली भैया यहां तो नहीं आ गए? हनुमान जी, ऋषिवर, हनुमान जी कहां हैं आप? हनुमान जी, मित्र क्या हुआ, आप इतने भयभीत क्यों हैं? हनुमान जी, ना आप यहां पे थे ना ऋषि मतंग, अचानक से ये पत्थर यहां पे गिरे। मित्र, ऋषि मतंग तो एकांत तप के लिए गए हुए हैं और मैं तो यहीं था, प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहा था। हनुमान जी, अकेले रहते मुझे भय लगने लगता है, कहीं बाली भैया ना आ जाए। मित्र, ऋषि मतंग ने बताया था ना कि उनके श्राप के कारण बाली यहाँ आ भी नहीं सकते, इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है कि ऋषि मतंग ने बाली को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था? ऋषिवर, ये उस समय की बात है जब रावण के भेजे हुए असुर डुडुम्बी और बाली के मध्य युद्ध हुआ था। इस धुंधुबी का ऐसा अंत कीजिएगा कि भविष्य में कोई भी असुर किष्किंधा की ओर देखने का साहस भी ना कर सके। जय श्री राम। धुंधुबी, जिस बाली से तुम्हारे महाराज रावण भी नहीं जीत पाए, उसे तुम कैसे पराजित करोगे भला? हनुमान, अब मैं महाराज रावण की उस पराजय का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। हे
महाराज बाली, जिस धुंधुबी को अपने बल पर इतना अहंकार था उसे तो आपने मेरे फल समाप्त होने से पूर्व ही समाप्त कर दिया। हनुमान जी, इस असुर का तो अंत हो गया, परंतु इसके विशाल काय मृत शरीर का अब क्या करें। महाराज बाली, इस समय तो मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूँ, यदि फल खराब निकल आए तो उसको फेंक देना ही उचित है। जय श्री राम। जय श्री राम। किसने किया है यह धन? कौन है वो दुष्ट पापी? जिसने भी यह धन किया है मैं उसे श्राप देता हूं कि यदि वो ऋषिमुख पर्वत के समीप भी आया तो उसका मस्तक खंड खंड हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी ने यह लीला जानबूझकर रची थी। हाँ ऋषिवर, हनुमान बाली के इस स्वभाव को आरंभ से ही जानते थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि आने वाले समय में ऋषि मुख पर्वत ही धर्म की ढाल बनेगा, जहां अधर्मी रावण के विरुद्ध प्रभु श्री राम की वानर सेना एकत्रित होगी। जय हनुमान। जय हनुमान। वाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो किसी भी प्रकार का छल कर सकता है, इसलिए आप सभी को सदैव आसपास दृष्टि रखनी होगी और किसी पर भी किसी भी प्रकार का संदेह हो तो अति शीघ्र मुझे सूचित करना होगा। जाइए। श्री राम। जय राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, यदि आप यहाँ पे नहीं होते हैं तो मुझे हर क्षण भय लगा रहता है, कहीं बाली भैया या उनका कोई योद्धा यहाँ पे ना आ जाए। मित्र, इसलिए तो मैंने वानर वीरों को पर्वत के चारों ओर नियुक्त कर दिया है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ना तो बाली हमसे छुप सकता है, ना उसका कोई गुप्तचर, ना ही कोई योद्धा। हनुमान जी, हनुमान जी, अभी अभी मैंने देखा दो तपस्वी धनुष धारण किए हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। हनुमान जी, अवश्य ही उन्हें भैया बाली ने भेजा होगा ताकि अवसर पाते ही वो मेरा वध कर सके। मित्र सुग्रीव, आप भयभीत ना हो, वो शत्रु प्रतीत होते हैं या मित्र। कुछ कहा नहीं जा सकता हनुमान जी, तपस्वी वेश और वीरों का बाना है उनका। जय श्री राम। उनके शरीर पर धनुष और वल्कल दोनों ही एक साथ शोभा देते हैं। वो कमल के समान कोमल और पर्वत से भी अधिक कठोर जान पड़ते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी, हनुमान जी, आप कहां खो गए? मित्र, मुझे प्रभु श्री राम का स्मरण हो आया था, किंतु आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर उन दोनों ऋषि कुमारों के बारे में पता लगाता हूँ और पूछता हूँ कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुपति राघव आज्ञाकारी। गुप्तचर ने तो यही मार्ग बताया था, किंतु यहां तो कोई भी नहीं। आगे देखता हूं। श्री राम। राम राम।
क्यों लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आ रहे हैं? सत्य का दिखाने वाले अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले बलिया। कहीं कहीं वो क्षण आ तो नहीं गया जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु श्री रामदेव हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग बताएं। हाँ तो केवल मैं ही आपको लेकर जा सकता हूँ, किंतु ये बताइए कि आप हैं कौन? ये मेरे अनुज लक्ष्मण और मैं दशरथ नंदन राम। जय जय श्री राम। रामदेव हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग बताएं। हाँ तो केवल मैं ही आपको लेकर जा सकता हूँ, किंतु ये बताइए आप हैं कौन? ये मेरे अनुज लक्ष्मण और मैं दशरथ नंदन राम।